अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुक विद मिसबा। आज हम बनाएंगे कलेजी मसाला। तो चले देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चले स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 500 ग्राम कलेजी लिया हुआ है। कलेजी को मैंने 5 से 6 बार अच्छे रनिंग वाटर से मैंने इसको वॉश कर लिया है। उसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर दिया है और थोड़े पानी में इसको भिगो के रख दिया था ताकि जो इसमें से आने वाली स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कलेजी क्लीन हुआ है। तो चले आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने कुकर गर्म कर लिया था। 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड कर लिया है इसमें, और 1 तेज़पत्ता और 1 चक्री फूल और थोड़े से दालचीनी और 2 लौंग, 2 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची और 4 से 5 काली मिर्च और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा ऐड कर लिया है। हल्का सा सोते होने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 लार्ज साइज़ के ऑनियन को, मैंने बारीक करके कट कर लिया था। इसको ऐड कर देंगे और इसको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम यहाँ पे इसको भून लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्का सा इसको भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कलेजी को, और कलेजी को भी हम अदरक लहसुन के साथ अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर ये बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ सूखे मसाले। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर लिया है। इन सारी पाउडर मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कलेजी के साथ। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कस्तूरी मेथी, 1 टीस्पून लिया हुआ है मैंने, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, मसाला जो है हमारा वो जले ना। इसको भी हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले वगैरह बहुत अच्छे से भुन जाए और ऑयल सरफेस पे आ जाए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएँ। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले नए हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यहाँ पे मैंने 1 लार्ज साइज़ का टमाटर को पीस लिया था। इसको हम ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और साथ ही हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 लेमन जूस। अगर आपको लेमन जूस नहीं ऐड करना है तो आप इसकी जगह दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, ऑयल भी अच्छे से सरफेस पे आ गया है। अब मैं यहाँ पे 1 कप पानी ऐड कर दूँगी इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद आखिरी में हम ऐड कर देंगे नमक को। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इस्तेमाल करें, और नमक हमेशा आखिरी में इस्तेमाल करें कलेजी में, वरना कलेजी जो है वो सख्त बनेगा। यहाँ पर मैं प्रेशर लगा रही हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको 2 से 3 सीटी हाई फ्लेम पे दूंगी, और उसके बाद हम गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम पे हम 3 सीटी और आने देते हैं। यहाँ हमारा कलेजी मसाला बनके तैयार हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का एक कलेजी मसाला बनके तैयार होता है। आप भी इसको ज़रूर से एक बार बनाएं। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फिर लौट के आऊँगी सिंपल एंड डिलीशियस रेसिपी के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।